एक बार फिर से बिहार की सियासत के रंग कुछ बदलते से नजर आ रहे हैं। दरअसल राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में राहत मिल गई है। जी हां, इन्हें हाईकोर्ट ने जमानत थमा दी है और दूसरी ओर मुकामा विधायक अनंत सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के चलते पटना डीएम ने कार्यवाही शुरू की है। यानी कि शहाबुद्दीन का जेल से बाहर आने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है और अगले एक साल तक विधायक का जेल में रहना लगभग तय सा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि 16 जून 2016 में सिवान टाउन थाने में पूर्व सांसद को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें न्यायमूर्ति जितेंद्र मोहन शर्मा की अदालत में बचाव पक्ष के वकील यदुवंश गिरी ने ये कहते हुए अपनी बात सामने रखी है कि हत्या का सीधा आरोप शहाबुद्दीन पर नहीं लगा है। याद दिला दें कि जिस समय राजीव रोशन की हत्या हुई थी, पूर्व सांसद जेल में बंद थे, फिर उन पर जो आरोप लगा वो हत्या में शामिल होने का आरोप था। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र नाथ झा ने जमानत याचिका का जमकर विरोध किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत दे दी है। दूसरी तरफ अनंत सिंह पर सीसीए के तहत कार्यवाही की पटना एसएसपी की अनुशंसा को डीएम ने गृह विभाग को भेज दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।